बिहार में तूफानी बारिश और आंधी वज्रपात से व्यापक नुकसान हुआ है। आंधी और वज्रपात से 33 लोगों की मौत हुई है। ये मौतें बिहार के 16 जिलों में हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस आपदा की घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ है। साथ ही मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए देने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आंधी और वज्रपात से घरों और फसलों की क्षति का आकलन करने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही गृह क्षति का आकलन आपदा प्रबंधन विभाग एवं फसल क्षति का आकलन कृषि विभाग को दिया गया है। सीएम ने अविलंब प्रभावित परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि आंधी के कारण पेड़ गिरने से कुछ जगहों पर आवागमन बाधित हुआ है, अविलंब उसे क्लियर कराने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूर्ण रूप से सचेत रहें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से समय समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों पर ही रहें और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।